ये क्या फिशर है? बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ी बहुत सांस ले रही है बट अयो देखो ना, ओ भाई और, रे, 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 रे। और जाने के पहले एक और बार मछली दिखा देता हूँ आपको। हेलो गाइस, तो मैं आ चुका एक लोकेशन पर और मैं आज दीप ज्योति का फर्स्ट टाइम लोकेशन दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। एंड देख लेते हैं यहाँ पर, और बहुत ही सही लग रहा है। पानी थोड़ा बढ़ चुका है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पानी बढ़ गया तो फिश मिलेगा कि नहीं, अल्टीमेट लग रहा है। पीछे माउंटेन है और आप देख पा रहे हो कोई भी यहाँ पे है नहीं, तो चलो चलते हैं नीचे। तो होपफुली बहुत सारे फिश पकड़ेंगे और खूब सारे प्लांट्स भी कलेक्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे रिवर बार्ब्स तो इतने सारे हैं। ओ वाओ, ऑरेंज कलर का एक बार्ब, ओ मस्त लग रहा है वो। इधर आ इधर आ, वो दूर चला गया। तो यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग नेट लगाएंगे। एंड देन ये डकवीट देखो, ये डकवीट थोड़ा सा अलग वाला है। ये जो मेरे पास है वो नहीं है, मेरे पास वाला जो है ना उसके लीव्स थोड़े से पतले हैं, बट इसके जो लीव्स आप देख रहे हो थोड़े से मोटे वाले। तो हमारे पास ये फिशिंग रॉड है, इसमें कुछ है, एंड देन ये नेट है, एंड वो हैंड फिशिंग नेट से पकड़ रहा है कोयल। कोयल की आवाज़। हम लोग नेट लेके जा रहे हैं पहले, एंड फिशिंग रॉड थोड़े बाद में यूज़ करेंगे, पहले तो चलते हैं। बहुत है। तो इसके साथ मैं गया नीचे और ये देखा क्या ये, अच्छा ये तो लोच उठा है। ओ वाओ, बड़ा श्रिम्प। और ये देखिए देखिए देख, एक और ब्राउन रेड है, आई थिंक ये रेड श्रिम्प है। ओ ये बैडिश, बैडिश मिल गया। बैडिश की तलाश थी और क्या देख, तो पानी लेकर आता थोड़ा सा इसमें की एक यहाँ पे था अभी तीन, एक मिनट रुके, यहाँ पे एक और है। ओके कितना हुआ, चार पांच, सब बढ़िया बढ़िया कलेक्शन है। ओ वाह, बैडिश को देख, ये क्या फिशर है, बहुत ब्यूटीफुल है, मस्त, डाल दे। ओके तो मैं इनके बारे में बोल रहा था, ये सब मुझे नहीं लेना है। बहुत लोग बोल रहे थे कौन सा जो फिश बोल रहे थे, ग्रीन ग्रीन वाला देखना, देखने में भी डर लग रहा है ना, कितना छोटा सा है रे, दिखा, छोड़ दिया छोड़। गाइस हम कुछ इस तरीके से पूरा ड्रैग करके लेके जाने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे बार्ब भी देखे, वो ऑरेंज कलर के बार्ब भी है ना यहाँ पे, और हम लोगों ने काफी सारे बार्ब इधर भी देखे, और ये ग्रास में पूरा हमारा श्रिम्प वगैरह रहता है ना। तो चल, तो मैं वीडियो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नीचे से करना पड़ेगा, उसके बाद दिखाता हूँ। देख देख देख, अयो देखो ना, ओ भाई अरे 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 अरे, देखो ना, रुक रुक रुक, इधर इधर लग गया, इधर लग। अरे मैं मोबाइल नहीं हैंडल कर पा रहा, कौन सा फिश है, कौन सा फिश है, देख गर्मी तो नहीं है ये। अब चल चल ऊपर चल ऊपर। अरे गाइस मैंने देखा, अरे देखना निकल ना जाए। अरे ये कौन से बार में यार, पहले तो वो देखना है, तो गर्मी जैसा लग रहा है, दिखा दिखा। ओ डैम, ये कैसा है, सेम सिंगल स्पॉटेड बार्ब, और भी था, और भी था, देख तो देख कहाँ है। ओ वाओ, और भी था, देख तो उधर पीछे देखो निकल गए। अरे अरे अरे, ये छोटा बार्ब, छोटा बार्ब, वो सेम 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 उसी का बच्चा है शायद, देख तो फिश। और कहाँ है ये क्या, ये क्या बार्ब है, हाँ 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 एग्जैक्टली, दे तो दे, वो सिंगल स्पॉटेड ना, पर वो ऑरेंज ऑरेंज, पर ये देख ये भी थोड़ा ग्रीन में है, देखो गाइस थोड़ा ग्रीन कलर में है ये। क्या यूनिक यूनिक कलेक्शन है भाई। तो गाइस काफ़ी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिल रहा है आज, एंड वो आई थिंक थोड़ा ऑरेंज कलर का बार्ब है, वो पूरा ऑरेंज तो नहीं है बट समझ नहीं आ रहा है। एंड अभी देखते हैं, अभी बहुत सारे हैं वैसे, आई थिंक वो फीमेल है, और अभी हम लोग और नीचे जा रहे हैं यहाँ पे। और बैडिश आपने देखा, एक ब्लू कलर का बैडिश मिला है मुझे, ब्लूइश कलर में, वो भी आपको बात में दिखा दो। गाइस इनके नीचे तो लास्ट टाइम आप लोग को याद है हमने ये निकाला था गौरमीज वगैरह, यहाँ पे तो बैडिश 200% श्योर होगा। चलो यहाँ पे करें, कहाँ पे, ओके डोंट टेल मी कि नहीं उठा है, इतने अच्छे से तो किया था यार इस बार। ऐसे एक बैड न्यूज है, इसके पैर में एक फिश लग के, कहाँ है दिखा, थोड़ी बहुत सांस ले रही है बट रखो इसको नीचे, फिर भी थोड़ा ट्राई करो, होपफुली बच जाए। ठीक है, अभी तक कुछ इतने सारे मछली मिले, ये तो पूरा गोल्ड फिश लग रहा है देख। वाओ नाइस,
अभी यहीं पे था एक, बे पूरा मतलब गोल्डन कलर का बार्ब था, देख तो। मुझे वो बोल रहा है कि इससे कभी नहीं पकड़ पाएंगे बार्ब, कोशिश तो क्या था लेकिन बिल्कुल सामने था, मतलब यहाँ से निकला था ये वाले वाटर हाइसिन से। और भी ढूंढ रहा हूँ, ऑरेंज ऑरेंज कलर का, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज कलर का था बिल्कुल। एनीवेज एक ही मिला, चला गया। वो बोला कि नेट लेकर आओ, मैं तुमको पक्का बार पकड़ के दूंगा। हाँ क्या, तो नेट ले लिया मैंने, चलते हैं अभी। देखो ना इधर पूरा बार का झुंड है पूरा, दिख रहा है इधर। मैं मुझे आना पड़ेगा क्या? नहीं आइयो, इसमें हो सकता है। हाँ क्या है वो? ओ बाइम। तूने बोला क्या पे बार वगैरह है? ओ अरे है ना, रुक रुक उस तरफ से मार। ठीक है ठीक है ठीक है, कर कर कर। अगर नहीं मिला ना, अगर मिला इतना मेहनत कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहा है? अरे तो पानी में क्या लेके जा रहा है? तो इधर ही करेंगे ना, यहाँ पे कुछ तो उठाए। थक गया हूँ मैं भाई, रुको रुको। ओयो ओयो, देख देख देख। अरे सच में तू देख देख, ये देख ये देख। ओ माकसा भाई, क्या मजा। रुक रुक रुक, देखने दे देखने दे देखने दे, क्या है ये? ओ माँ कसम, और क्या है? देख बैडेज है क्या कहीं पे? छोटा चल चल चल, पहले लेके चल, लेके लेके चल, लेके चल, मर जाएंगे लेके चल। अच्छा एक एक और बार, एक और, तीन तीन बार, तीन बार, चल जल्दी चल। अरे मैंने नेट, तू ये पकड़ के लेके जा, मैं लेके ले। गाइस आपने देखा हम लोग इतना फनी वे में, ओ माय गॉड यहाँ पे ऑरेंज बार कहाँ से आ रहा है? इतना फनी वे में हम लोग पकड़ रहे हैं, आई थिंक दो ऑरेंज बार, क्या वो समझ नहीं आ रहा मेरे को। देखना पड़ेगा एक स्पॉट है उस पर, और जिंदा है, और अबे और भी पकड़ेंगे। हाँ ओ हो, एक तो मर गया, और बाप रे सही है रे, क्या तो है यार ये, मस्त लग रहा है। नहीं ये बैडिश देख, अब बैडिश बहुत फास्ट हो गया, और ये वाला कहाँ गया? अरे ये बेचारी मर गई, तूने इसको पैर में दबोच दिया था, पानी गर्म हो गया। सही है, ये थोड़ा ठंडा पानी डालने लेके जा रहा है, पर पानी गर्म हो गया। कहाँ पे? बैडिश नहीं, क्या होता है इसको बाद, कौन सा ऑरेंज वाले ना? अरे पता नहीं एकदम से, सही में यार ये रिवर में तो फिर ये क्या मतलब, कैसे क्रॉस ब्रीड वाले बार्ब्स है कैसे? यहाँ पे क्रॉस ब्रीड बार्ब्स यहाँ पे कौन छोड़ेगा? तो यहाँ पे ऑरेंज कैसे हुआ? अच्छा हाँ, जैसे कि कॉमन कार्प जो होता है, जो नॉर्मल एंड ऑरेंज होता है, उसी तरीके से शायद बार्ब्स पे भी ऐसा रहेगा, है कि नहीं? हाँ हाँ, इसको इसको निकाल लें, तब मैंने देख लिया था। हाँ ये मैं नए प्लांटेड सेटअप में रखने वाला हूँ, एंजल वाले पे रखेंगे क्या? ए छोड़ा, बात क्यों नहीं कर रहा है? गर्मी में एक्चुअली सबका हालत खराब है, लोग एक्साइटमेंट भी नहीं दिख रहा होगा आपको को। एक्चुअली बहुत एक्साइटेड है, पकड़ रहा है फिश, मैं बात भी नहीं कर पा रहा क्योंकि इतना थक चुके, इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, गंदा वाला गर्मी है धूप में, पर क्लाउडी है बट स्टिल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अभी और मछली पकड़ने के लिए, सच में मैं बार बार 10 लेके जाना चाहता। अभी कितना हुआ? तीन हुआ है ऑरेंज, और नॉर्मल वाले दो, अभी और पकड़ेंगे। तो गाइज ये बहुत चिल्ला रहा है क्योंकि मोबाइल ले लेकर जा रहा हूँ, तो मैंने उस तरीके से दो तीन बार्ब्स मैंने जो नहीं पकड़ पाया, आपने देखा मोबाइल के थ्रू, और इस नेट के साथ पकड़ रहा था। तो मोबाइल रख के जाना यहाँ पे, फिश पकड़ने के बाद आपको सब लास्ट में दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या मछली हमने पकड़ा है। तो बाय, कोशिश करो फिर भी दिखाने के लिए। बहुत बड़े बड़े साइज के रहने, हाँ देखना साइज देख इनका। अयो बाहर गिर गया, सही साइज है। ये देख ब्लू 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 बार्ब, ये क्या है? अरे क्या साइज है इन डेनियस का भाई, डेनियस एक ब्लू बार्ब जैसा दिखा मुझे, ये क्या है बार्ब? ऑरेंज वाला है क्या? एक उठा था तूने वहां पे वो क्या, और निकल गया वो
छोटा सा था इतना ऑरेंज कलर में। एक फिश जो काफी टाइम से मैं ढूंढ रहा था, ये क्या काटा वाटा देती है क्या? ये रहा एक बार, दो, जस्ट लव इट। ऑरेंज का बच्चा है क्या वो? ये देखो इसका आप सूंघ देखो, इसको बचाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ही फेवरेट है मेरी, देखो काफी टाइम के बाद मिला है, बचेगी कि नहीं पता नहीं। ओके बैडिश, इतना सारा तुम क्या करते हो रे भाई, बैडिश बहुत सारा था। ठीक है आई थिंक इनफ है रे आज, क्या बोलता है? बहुत सारा पकड़ लिया, देखना ये बहुत यूनिक फिश पकड़ा आज। हाँ ये ग्रास ले लेते हैं, और मैं कुछ ये प्लांट्स कलेक्ट किया अभी यहाँ से रिवर से, ये हमारा नया जो पॉन्ड बन रहा है उसके लिए यूज़ हो जाएगा। देखो इसको लेके जाएंगे, एंड पूरा ये बंच एक हमने यहाँ से उठा लिया है, अभी जाकर डाल देंगे इसको, ये पूरा बंच। वाटर हाइसिंथ नहीं चाहिए, और डकवीट का क्या करें? डकवीट मेरे पास बहुत है लेकिन ये थोड़ा अलग वाला है, थोड़ा सा ले लूँ क्या? ऐसे ले लेता हूँ थोड़ा सा, यहीं पे डाल देते हैं, थोड़े से ही काफ़ी है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। थोड़ा सा और यहाँ से उठा लेता हूँ, और क्या यहाँ पे वाटर लेटस नहीं मिल रहा है ना, वो मेरे ऊपर टेरेस से ले लेंगे। देखा यहाँ पे हो गया इसने ये उठा दिया, ये भी ले लेते हैं। बड़े वाले पॉन्ड में ये काफ़ी सुंदर लगने वाला है, फ्री प्लांट कलेक्शन गाइस, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट। बैग कहाँ है? तो गाइस फिशिंग रॉड का आज भी कोई काम हुआ नहीं क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ हाथ से पकड़ा और नेट से, तो ये बैग में डालते हैं। एक्चुअली गर्मी के वजह से हम लोग ज़्यादा कुछ आज कर नहीं पा रहे, पर फिर भी बहुत कुछ पकड़ा है हमने। इसे पानी कम करना पड़ेगा रे, कैसे लेके जाएंगे? तो गाइस हो गया है फिशिंग, यहाँ से काफ़ी सारे प्लांट्स लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से हमने प्लान किया था कि हम बहुत सारे प्लांट्स लेंगे। अब जाने वाले घर, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या सामान और हम किस तरीके से लेने वाले हैं। तो गाइस आप देखिए, ये है मेरा बीस्ट, यहाँ पे है हमारे फिश, तो साइड में लेके जाना पड़ेगा, आप सोचिए फिर मुझे कैसे चलाना पड़ेगा। और ये काफ़ी फास्ट बाइक है तो जिससे कि इसमें बहुत सारा जर्किंग हो सकता है और फिश बाहर निकल भी सकते हैं, पानी का भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो आप सोचिए यहाँ से अभी हम लोग को 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा दूर। एंड देन ये आप देख रहे हो फिशिंग रॉड हमारा काम नहीं हुआ, एंड ये पता नहीं कुछ हो गया, इसको ठीक नहीं हो रहा है, क्या करने का इसको भी। एंड इसमें हमारा कुछ आटा वगैरह था, फिशिंग हुक जो हम कल या परसों आएंगे, एंड खूब सारे प्लांट्स कलेक्ट किए गाइस। ये तो देख रहे हो ये लेके जा रहे हैं, अभी इनको डिसइंफेक्ट करेंगे एंड फिर हम इनको अपने नए वाले पॉन्ड में डालने वाले हैं। और फिर ये इन सबको हमें हाथ में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि कोई स्पेस नहीं है इसके अंदर, काफ़ी कम स्पेस होता है, तो देखते हैं उसी तरीके से हमें जाना पड़ेगा। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ कमेंट रहेगा कि किस तरह के वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताना कि आपको किस तरह के वीडियो देखना पसंद है, और हम कोशिश करेंगे आप लोग तक वैसे वीडियोस लाने के लिए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, तो होपफुली आपको अच्छा लगा है, कुछ नए वीडियोस लेकर जल्दी वापस आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जाने के पहले एक और बार मछली दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए, फिर भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ गोल्डन बार्ब है। अभी ये गोल्डन है क्या है पता नहीं मुझे, जो भी है पता चलेगा घर पे लेके जाने के बाद। फिर यहाँ पे कुछ नॉर्मल बार्ब्स है, एंड फिर यहाँ पे डेनियोज है कुछ यूनिक। अच्छा ये वाला जो फिश आप देख रहे हो जिसका जो मुंह है एकदम नोकीला है, तो ये थोड़ा यूनिक है मेरे लिए, इसको बहुत अच्छे से पालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक दो श्रिम्स भी डिफरेंट है, दो तीन मछलियाँ तो मर रही है गर्मी की वजह से, चली जाना पड़ेगा। और साथ ही मैं जो हम लोगों ने बैडिश पकड़ा था, ब्लैक बैडिश तो हमें मिलता ही है, दो है, और एक ब्लू कलर का बैडिश भी है जो मैं बाद में आप लोगों को शॉर्ट्स में दिखाने वाला हूँ क्लोजली। उसके अलावा बाकी गाइस आप लोगों को शॉर्ट्स में दिखने को मिल जाएगा सारे फिश एक एक करके, ठीक है, वो बेटर रहेगा। तो आपने देख लिया तो कमेंट जरूर करना।